उन्नाव गैंगरेप मामले में दर्ज हुई बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ FIR, लेकिन नहीं हुए गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने कहा CBI करेगी फैसला। 10वें डिफेंस एक्सपो में रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन करने चेन्नई पहुंचे PM नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट के बाहर कुछ युवकों ने दिखाए काले झंडे। उन्नाव गैंगरेप मामले के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में उतरे बीजेपी MLA सुरेंद्र सिंह। पूछा, 3 बच्चों की माँ का कोई रेप कर सकता है क्या? PM नरेंद्र मोदी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी नेताओं का उपवास। यह उपवास संसद में कामकाज न होने के विरोध स्वरूप किया जा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में तेजस्वी सावंत ने शूटिंग में जीता सिल्वर। सुशील कुमार, राहुल अवारे और बबीता फोगाट फाइनल में पहुंचे। 2018 ऑडी RS5 ने रखा भारतीय बाजार में कदम। कीमत 1,10,00,000 रुपए। कर्नाटक के श्री राजा राजेश्वरी मंदिर के प्रशासन का कपड़ों को लेकर अनोखा फरमान। जीन्स, शॉर्ट्स, स्लीवलेस टॉप को प्रवेश की इजाजत नहीं। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का कहर। मथुरा में भारी बारिश के चलते 2 घरों की गिरी छत। 3 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत। वहीं आगरा में आंधी की वजह से ताजमहल का पिलर गिरा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज से 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। यहाँ वे धारवाड़ में श्री सिद्धरूदा मठ, मुरसविरा मठ जाएंगे और विधानसभा चुनाव प्रचार के तहत पार्टी के मुष्ट धन संग्रह अभियान में हिस्सा लेंगे। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो ने लॉन्च किया नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1I। यह सैटेलाइट मैप तैयार करने, समुद्री नेविगेशन के अलावा सैन्य क्षेत्र में भी करेगा मदद।